जमशेदपुर पुलिस ने जनता का जीता विश्वास। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है, मैं मंजीत। आज बात करेंगे तो जमशेदपुर पुलिस ने बड़े पैमाने पर चोरी और गुम हुए 688 मोबाइल फ़ोन को बरामद कर जनता तक पहुंचाने का काम किया है और जनता से सीधे संवाद किए हैं। जिले के एसएसपी ने किस तरह से अलग अलग थाना क्षेत्र के सभी जो थाना क्षेत्र के मोबाइल फ़ोन को बरामद कर जो हैं टेक्निकल टीम के द्वारा और जो वरीय पुलिस अधीक्षक दिशा निर्देश के द्वारा पूरी टीम ने एक अच्छी पहल के साथ जनता तक पहुँचाने का काम किया है। आज अगर बात करेंगे तो पिछले टोटल चरण जो है सातवां चरण मिलाकर ये लगभग 2500 के आसपास फ़ोन को बरामद कर जनता तक पहुंचाने का काम किया है और जनता ने सीधी तौर पर जो है जमशेदपुर पुलिस को बधाई देते हुए और उनका हंसी का ठिकाना ना रहा है, जिसको लेकर हम सीधे तौर पर जुड़ते हैं। जो जिले के एसएसपी हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इस संबंध में, जो जितने भी चोरी और जो गुम हुए मोबाइल फ़ोन के संबंध में। ऑपरेशन आशा के अंतर्गत जो भी मोबाइल गुम हुए हों या मोबाइल चोरी हुआ हो और इस प्रकार की जो भी शिकायत दर्ज कराई गई है जमशेदपुर पुलिस के साथ में, उसको लगातार एक अभियान के रूप में पुलिस ने लिया है और कंटिन्यूअस हम लोगों ने उन नंबर्स को चेस किया है उन मोबाइल, और कुल मिलाकर के अभी तक अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 1.5 साल में हम लोगों ने 2476 मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करके उनके वास्तविक धारकों के पास उन फ़ोन्स को पहुँचाया है। अगर हम इस शिविर की बात करें जो आज किया गया है, इस कुल मिलाकर के 686 मोबाइल फोन हम लोगों ने रिकवर किया के जो वास्तविक धारक हैं जो लाभुक हैं उनको पहुंचाया है। तो कंटिन्यूअस एक ड्राइव है टेक्निकल सेल की सहायता से और जो विभिन्न थाना प्रभारी हैं उनके प्रयास से हम लोग ये कर पाए हैं और ये जो ऑपरेशन आशा है वो आगे भी जारी रहेगा।